यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में हमने पिछली बार देखा था. So we saw in the presence of God. Abraham से परमेश्वर ने कहा. Last time that God talked to Abraham. Abraham तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है. Abraham you need to walk in my presence. यानी कि तुझे मेरी उपस्थिति की जरूरत है. That you need my presence. तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. You need not to worry. तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है. You need not to get tense. मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हूँ. For I am your God, Lord God Almighty One. यानी कि आपको और मुझे बुलाने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. Which means the God who called you and me is Almighty. वे परमेश्वर आपके और मेरी जरूरतों को भी जानता है. He knows yours and our needs. लेकिन हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कुछ बातें और देखेंगे. And let us see some more things over here. अब्राहम से परमेश्वर ने कहा. God said to Abraham. तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है. You have to walk before me. तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है. You have to walk before me. और यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में कौन कौन चले. And over here if we see who were the people, those who walked with God. यदि उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 में जब हम आते हैं, if we come to the book of Genesis chapter 5, वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, over there it says, परमेश्वर की उपस्थिति में, in the presence of God, यानी कि बहुत से लोग हैं जो 4-5 लोगों के नाम विशेष कर रहे, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे. So they are some people's name, 4-5 people names, those who walked with God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहे. Those who were walking according to will of God. आज जिस लॉकडाउन को हम लोग देख रहे हैं, so today the lockdown which we are seeing, यानी कि मौत से बचने के लिए, so this lockdown which means to be saved from the death, यानी कि उस महामारी के अंदर आप और हम ना बढ़ जाए, इसलिए भारत सरकार हो कोई भी सरकार क्यों ना, लॉकडाउन के जरिए हम सबको बचाना चाहती है. So the government, let it be yours and ours, it wants us not to be captured in captors of that virus, so it is telling us to live in the lockdown in the houses. मेरे अजीजों, my dear friends, जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 को पढ़ते हैं, when we read book of Genesis chapter 6, उस समय परमेश्वर ने नूह के समय में भी एक लॉकडाउन किया था. Now in at the time of Noah, God did a lockdown. परमेश्वर ने कहा था, God said, कि अब्राहम यानी कि नूह, Noah, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को नष्ट करने जा रहा हूँ. For I am about to destroy the मैं world. मैं पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहा हूँ. I am going to destroy this entire world. पूरी दुनिया पाप, अपराध, गुनाहों में पड़ चुकी है. The world, the entire world has grown in the world. पूरी दुनिया खराब हो चुकी है. The world is spoiled, destroyed. लेकिन मैं उसे नष्ट करना चाहता हूँ. I want to destroy it. लेकिन तू मेरी दृष्टि में धर्मी है. But you are righteous in my sight. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? परमेश्वर नूह से कहता है कि यू आर द only righteous man among the all the peoples. God says to Noah कि तू एक धर्मी व्यक्ति है मेरी दृष्टि में. जब सारी दुनिया को परमेश्वर खत्म करना चाहा, when God wanted to destroy entire world, entire nation, यानी कि पूरी दुनिया को प्रभु खत्म करना चाहता है, when he wanted to destroy entire earth, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि उस एक मनुष्य पर भी लगी होती है. So there is the sight of God on that good righteous man, on that one person. आप लोग कई बार हवाई यात्रा किया होगा. So you people have many times went in airplane. जब हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है. So when the plane is at a good height. यानी कि जब वो उड़ान भरता है, उसके आधे घंटे के बाद में यदि देखा जाए तो. So if we see after half an hour when the plane is up in the sky. जैसे वो ऊपर उड़ता है, उस समय वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि आप अपने बेल्ट को खोल सकते हैं. So before starting, before the journey starts, it says an announcement that you wear your seat belts for your protection. यानी कि आप पहले लगाओ. So you tie your seat belt. और जब वो ऊंचा उड़ने के बाद, and after when it is high up in the air, अब आप अपने बेल्ट को निकाल सकते हैं. Now you can untie. आप आराम से बैठ सकते हैं. Now you can sit comfortably. यानी कि उस समय यदि देखा जाए, so we see at that moment, आप यदि खिड़की से नीचे देखोगे, so if you will see down from the बिल्कुल, यानी कि चींटी के बराबर भी नहीं दिखती पृथ्वी. The earth, I mean, the down we cannot see. It is not seen as if ant also. अधिकतर मैं देखता रहता हूँ. I see often. जब वो आधे घंटे के बाद उड़ते समय, so after half an hour when it is, कि कोई इंसान मुझे नजर आ जाए, then let me see at least one person. एक व्यक्ति नजर आ जाए, at least one person. कम से कम इस 100-200 बार की हवाई यात्राओं में, so in 100-200 journeys of my flight, मैंने कभी भी एक इंसान को नहीं देखा particularly. I've never seen a particular. बड़ी-बड़ी बिल्डिंग इतनी-इतनी सी लगती हैं. So such big buildings are this small. आप सोच कर देखिए. So you imagine. जब वो परमेश्वर आकाश और महाकाश यानी कि सातवें आसमान से जब इंसानों को देखता होगा, when God, Lord God would see the earth from that seventh above the seventh sky. यानी कि ये 6,000-7,000 अरब लोगों को जब परमेश्वर देखता हो, when God sees these millions and trillions of people,
उसको सब जब पाप में हो, when everybody are sins, अपराधों में हो, everybody are mistakes, तो वो एक व्यक्ति कहाँ से नजर आ जाएगा? From where will he see that? कहाँ से वो व्यक्ति नजर आ जाएगा कि वो धर्मी है? So from where will that one person see? इसलिए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 14 में कहता है, that is why Psalms 14 it says, वो कहता कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है. It says that the sight of the God is always on the righteous. मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की नजरें, आप धर्मी हैं तो, आप धर्मी हो तो, उसकी नजरें आपकी तरफ लगी रहती हैं. Then his eyes, his sight is always on you. वे आपको देखता रहता है. It always keeps watching you. आपको पढ़ता रहता है. It always keeps reading you. कि मेरे बेटे का जीवन कैसा है? How is the life of my son? जब हम अय्यूब की किताब में आते हैं, then we read in the book of Job. और सैतान डोलता डालता हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाता है. And as Satan comes before Jesus, before the Lord God, wandering here and there on the earth. परमेश्वर पूछता है, God asks him, बेटा तू कहां से आया? So from where did you came? तू किधर से आया? From where did you came? कहता प्रभु मैं पृथ्वी पर डोलता डालता हुआ आया हूं. So Satan says, I came in front of you, wandering on the earth here and there. यानी कि किसी के घर में ब्रेकफास्ट भी करे आया. Which means I had breakfast in somebody's house. कुछ लोगों के घर में डिनर भी करे आया. I did dinner in somebody's कुछ लोगों के घर में लड़ाइयां भी कराया. I did some fighting things. कुछ लोगों के बीच में पाप को उत्पन्न भी कराया. So I even kept the sins in people's minds. यानी कि मैं डोलता डालता हुआ आया हूँ. Which means I came a wandering here and there. तब परमेश्वर कहता है, Then God says, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? Did you saw my servant Job? क्या तूने अय्यूब को देखा? Did you saw Job? अय्यूब देखिए वहाँ पर शैतान कितना सच कहता है. So look how true is the Satan. शैतान कहता है, हाँ मैं वहां पर भी गया था. So Satan being so honest, saying, मैं वहां पर भी गया था. Yes, I went over लेकिन there. क्या फायदा? So what is the benefit? आपने तो उसके चारों ओर आपने अपने सुरक्षा का कांच डाला हुआ है. You kept your angels protection all around him. यानी कि शैतान, which means Satan, बोले शैतान, Satan, आप कितने भी धर्मी क्यों ना है, आ उसकी नजर आपके भी घर पे होती है. Good righteous men, but still the Satan's eye is also on you. परमेश्वर कहता है, God says, मेरा दास अय्यूब धर्मी है. My servant Job, he is righteous. मेरा दास अय्यूब जो है वो खरा इंसान है. He says that my servant Job, he's a true, he's a righteous. वे पाप के प्रति नहीं, he towards not the sin. वे पवित्रता के प्रति विश्वास योग्य है. But he is honest, faithful towards the Holy Spirit. मेरे अजीजो, my dear friends, कहने का मतलब, what I mean to say, शैतान भले के ऊपर भी और बुरे के ऊपर भी अपनी नजरें गाड़ के रखता है. So Satan keeps his target on the righteous one and also on the unrighteous one. यदि हम यहाँ देखते हैं, if we see over here, नूह के जीवन में, in life of Noah, नूह लगभग परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता रहा. So Noah was growing in the presence of God. यहाँ पर कहता है कि, it says, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, यानी कि which means पृथ्वी पर, on the earth, पृथ्वी पर, on the earth, मनुष्य की बढ़ोतरी होने लगी. The men began multiplying, और जितने लोगों की बढ़ोतरी हुई उतने ही पाप अपराध गुनाह भी बढ़ते चले गए. और वो यहाँ तक गुनेगार हो गए. And they became so sinful, वो यहाँ तक गुनेगार बन गए. They became so sinful, परमेश्वर की नजर में भी वो दुष्ट नजर आने लगे. So they were unjust, unrighteous in the sight of God. और परमेश्वर यहाँ कहता है, And God says over here, मैं इस पृथ्वी के लोगों को देखकर मैं बिल्कुल ही दुखी हो चुका हूँ. I am really sad. I feel guilty when I see these people on the earth. अध्याय 6 के वचन 5 में कहता है, पढ़ेंगे. Chapter 6, verse 5 of Genesis, it says, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है. uh-huh. और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया. अब यहाँ पर देखिए, Let us see. प्रभु का धन्यवाद हो. God be thanked. उस परमेश्वर की स्तुति हो. Let us all praise and worship. उस परमेश्वर की महिमा हो. God be praised. कम से कम आज के दिनों में धार्मिकता जिंदा है.
At least in these days, the righteousness is still alive. आज के दिनों में ईमानदारी अभी भी जिंदा है. In these days, the honesty is still alive. अभी भी मान और मर्यादा जिंदा है. So in these days, there is a respect and honor inside. आज भी लोगों में विश्वास योग्यता है. Today still people have faithfulness. वो अलग बात है कि शहरों में कम है, लेकिन आज भी गांव में, गराज में, कोरों में अभी भी है. So it is different thing that in cities it is less, but in the villages and towns it is there still. यहाँ पर कहता है, उन दिनों में, in those days, जब पृथ्वी पर इंसान बढ़ गए, when the men became multiplying on the earth, लेकिन परमेश्वर दुखी हो रहा है, but God is sad. वो पछता रहा है, he is feeling guilty. इंसान बुरा बन गया, the men became, इंसान गुनेगार बन गया, men became wicked. पूरी पृथ्वी पाप से भर गई है, earth is filled with the wickedness. पूरी दुनिया पाप से, गुनाहों से भर गई है. With this sin. कोई भी व्यक्ति धर्म के काम करना नहीं चाहता. No one wants to do the good thing. कोई भी व्यक्ति ईमानदारी और वफादारी के बारे में सोचना नहीं चाहता. Nobody wants to think about faithfulness, honest. हर एक व्यक्ति बुरे विचार करने लगा. Every person started thinking bad. हर एक व्यक्ति गुनाहों के बारे में सोचने लगा. Every person started thinking about mistakes. जब परमेश्वर ने देखा, when God saw, ओ मैंने पृथ्वी पे इंसानों को बनाकर पछताता हूँ. I am guilty because I created these men, these humans on this earth. वचन सात में कहता है. Seventh it says. वचन सात में कहता है. तब यहोवा ने कहा. So the Lord said. मैं मनुष्य को. I will. जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूँगा. I will destroy man whom I have created from the face of the earth. क्या करेगा परमेश्वर? What will God do? क्या करेगा परमेश्वर? What will God do? जब आपके अपराध बढ़ जाएंगे. Then your sins will grow. जब आपके गुनाह बढ़ जाएंगे. When your wickedness will grow. जब आपका पाप बढ़ जाएगा. जाने की परमेश्वर आपको पृथ्वी से मिटा देगा. Which means God will wipe you away from this face of earth. जाने की परमेश्वर आपको खत्म कर देगा. Which means God will destroy you. इसलिए कहता है, so that is why it हमें पाप से बचाने के लिए मसीहा आया है. That is why Messiah came to protect us from the sins. पौलुस कहता है, Paul says, मसीह आया है माफ करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम और पाप करते चले जाएं. Paul says, we should not keep sinning because Messiah God came to save us. यहाँ परमेश्वर निर्णय लेता है. Here God decides. मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा. I am going to destroy. मेरे अजीजों, my dear friends, यानी कि पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की प्लानिंग परमेश्वर के दिमाग में चल रही है. Which means there is a planning to destroy the earth. पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा. I will destroy the entire earth. देखिए परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है. Look how honest, how faithful. जब वो 6 अरब लोगों में या उससे भी अधिक या कम लोगों में जब परमेश्वर परखने लगा एक 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 को. When God tested 6 trillion or less than those people, when he tests each one. वे आपके और मेरी तरह विश्वासहीन परमेश्वर नहीं है. So he is not a faith, what we say, not honest inside like you and me. एक व्यक्ति भी यदि धर्मी है तो परमेश्वर उसको भी बचा लेता है. If there is one righteous, he saves him also. लेकिन वहाँ पर देखा जाता है. Over here, if we see. वचन 9 में कहता है. Verse 9 of 6 it says. यहाँ पर देखिए वचन 8 में. परंतु पढ़िए जी. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही. अब देखिए यहाँ पर. So let us see over here. पूरी पृथ्वी को परमेश्वर खत्म करने पर है. Now God is about to destroy the earth. पूरी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करना चाहता है. God wants to destroy the entire earth. लेकिन एक व्यक्ति है. But there is one person. एक परिवार है. There is one family. एक इंसान है. There is one man. सामने वाला झूठ बोल रहा है. The front one is lying. बगल वाला बुराई कर रहा है. That person is telling some. वो चर्च में आने वाला व्यक्ति झूठ कह रहा है. That person who attends the church. वो सामने वाला फरेब कर रहा है. That person is cheating. मेरा दोस्त भी पाप कर रहा है. My friend is also sinning. मेरा पिता भी पाप कर रहा है. My father is also sinning. मेरे दोस्त भी गुनाहों के रास्तों में है. Even my friends are in the way of the bad. एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ कहने लगे हैं. To hide one lie, they speak hundreds of lies. जब पूरी दुनिया पाप में बसी हुई है. The entire world is drowned in the wickedness. एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर देख रहा है. Then there is one person who's focusing on God. एक परिवार परमेश्वर की ओर देख रहा है. One family is focusing on God. प्रभु मुझे फर्क नहीं पड़ता. God, I don't care. मुझे फर्क नहीं पड़ता. I don't care. कौन क्या पाप करता है. The mistakes they do. कौन क्या आज्ञाहीनता में चलता है. What they disobey. लेकिन मैं प्रभु तेरी ओर चलूंगा. God, I will walk to you. मैं तेरी आराधना करूंगा. I will worship you. मैं तेरी स्तुति करूंगा. I will praise you. मैं तेरी जय जयकार करूंगा. I will sing joy to you. मेरे रिश्तेदार, my
relatives, मेरे परिवार, my family members, मेरे आसपास के लोग, my people near my मेरे कॉलोनी के लोग, my people in colony, बुरे हो तो रहने दो, they are bad, let them be. लेकिन मैं तेरी स्तुति करूंगा परमेश्वर. यहोशू कहता है, यहोशू कहता Joshua है, says, मैं और मेरा घराना, me and my family, मैं और मेरा घराना, me and my family, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे. Praise that great God. यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 के वचन 15 में कहता है. Joshua 24:14 it says. He said, if you want worship with me, worship. यदि तुम मेरे साथ आराधना करना चाहते तो करो. If you people not support to me, यदि तुम मेरी सहायता ना करो. If you people not support to me, यदि तुम मेरे साथ नहीं करोगे. If you people not join to me, यदि तुम मेरे साथ नहीं जुड़ोगे. If you people not worship to me, यदि तुम मेरे साथ जुड़कर आराधना ना करोगे. Okay. ठीक है. Live it. तो रहने दो. Live it. रहने दो. Me and my family worship to my Lord. मैं और मेरा घराना परमेश्वर की स्तुति करेगा. Me at least. To my family, we worship to the Lord. मैं और मेरा घराना कम से कम परमेश्वर की स्तुति करेगा. Joshua says. यहोशू कहता है. We decided. हमने ये निर्णय कर लिया. We decided. हमने ये तय कर लिया. Anyhow. कैसे भी क्यों ना. Anyhow. किसी भी तरह. We worship to our Lord. हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे. We worship to our only one God. हम अपने एक परमेश्वर की आराधना. You people want to come or not come. यदि तुम्हारा चाहते हो या नहीं भी. If you people obey or not obey. यदि तुम बात मानो या ना मानो. If you people forget to the God's miracle, no worries. यदि तुम परमेश्वर की अनुग्रह को भूल जाते हो तो कोई बात नहीं. If you are forgetting to his miracles. यदि तुम उसके अद्भुत कार्यों को भूल गए तो भी कोई बात नहीं. But we people never forget to the his mercy. मेरा घराना कभी नहीं भूलेगा. Me and my family never forget to his miracles. लेकिन मैं और मेरा घराना कभी उसके चमत्कार को, उसके अद्भुत कार्य को नहीं भूलेंगे. मेरे प्रिय मित्रों, my dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, we decided, हमने निर्णय कर लिया है, decided, हमने तय कर लिया है, worship to my Lord, कि हम अपने परमेश्वर की आराधना, we worship to my Lord, कि मैं अपने परमेश्वर की आराधना, we all my family, मैं अपने पूरे घराने के साथ, entire my family, पूरे परिवार के साथ, we worship, हम आराधना करेंगे, we never forget, हम कभी भूलेंगे नहीं, we decided. उसने तय कर लिया. He decided. उसने तय कर लिया. Saying like Noah says. ऐसे ही नूह के नूह कहता है. Oh my dear friends. मेरे प्रिय मित्रों. Oh my dear citizen of my country. मेरे देश के निवासी हो. If you are not obeying to God. यदि तुम भविष्य के आगे नहीं मानते. If you not walk with God. भविष्य के साथ नहीं चलते. Oh no worries. तो कोई बात नहीं. Me and my family. मैं और मेरा परिवार. My son. मेरा बेटा. My daughter-in-law. मेरी बहू. We are worshiping only for my God. हम सब मिलकर हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे. We know His mercy. हम उसके अनुग्रह को जानते हैं. We know He is the Creator. हम जानते हैं कि वह सृष्टिकर्ता है. We never forget to His mercy. हम कभी उसके अनुग्रह को नहीं भूलेंगे, उसकी दया को नहीं भूलेंगे. नोवा कहता है. क्या नूह के पास में लोग नहीं आए होंगे? Why did the people came to Noah? क्या लोगों के पास लोग उसके पास लोग नहीं आए होंगे? People came to Noah? नोहा चले शादियों में. Noah, let's go to party. चले हम लोग पार्टी बनाने चले. Let's go to the wedding. नाइट क्लब में चले. Let's go to night club. पाप करने चले. अपराध करने चले. गुनाहों में करने चले. अरे छोड़ो, क्या प्रार्थना में लगे हो? Leave it. Why do you pray? क्या आराधना में लगे हो? Why do you worship? क्या मिलेगा तुम्हें? What will you get when क्या you प्राप्त किया तुमने? What did you got? अरे बेकार है ये सारी चीजें. जिंदगी मिली है, इंजॉय कर लो. जिंदगी मिली है, पाप कर लो. जिंदगी मिली, हम इंजॉय कर लेंगे. जब लोग आकर नोहा से कहते हैं, पीपल केम एंड सेड दीस टू नोवा, एक बात कहता होगा. सो नोवा माइट बी सेइंग वन थिंग. मेरा बाप, माय फादर, प्रभु का भय मानता था. यूज्ड टू फियर द लॉर्ड गॉड. मेरा दादा, माय ग्रैंडफादर, के साथ चला करता था. ही यूज्ड टू वॉक. मेरा परदादा, माय फोरफादर, स्थिति में चला करता था. He used to walk in the presence. इसलिए मैं भी उसकी उपस्थिति में चलूंगा. I will also walk in his presence. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? मेरा बाप भी, my father, मेरा दादा भी, my grandfather, मेरा परदादा भी, my forefather, मेरे परमेश्वर के साथ चलते गए. Walking with my Lord. मैं कैसे भूल जाऊं? So how should I forget? मैं भूल नहीं सकता. I cannot forget. मेरे पिता की शिक्षा को, about the teachings of मेरे my father, दादा की शिक्षा को, the teachings of मेरे परदादा की शिक्षा को, the teachings of my grandfather. तुम चलना तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो. If you want to walk, you walk. If you do not, then leave it. लेकिन मैं अपने घराने के साथ उसी की आराधना करूंगा. I will worship my God. मैं उसी परमेश्वर की स्तुति करूंगा. I will praise that God. मैं उसी परमेश्वर की महिमा करूंगा. I will be praising the great God.
God. नूह परमेश्वर के साथ में चल रहा है. Noah is walking with God. यदि हम लोग नूह के दादा के विषय में देखते हैं, see about Noah's grandfather. आदेंगे हम ले पढ़ेंगे. Let us read. परमेश्वर के वचन में Holy Bible. उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 के वचन 21 से 24 तक पढ़ेंगे. Genesis 5:21-24. थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग. जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे मेथुशिलह का जन्म हुआ. मेथुशिलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए. इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई. हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोक को गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया. मेरी बात समझने की कोशिश करें. यानी कि हनोक की उम्र 365 साल है. It was 365 years. कितने साल हैं? साल के कितने दिन हैं? 365. अजी, साल के कितने दिन हैं? 365. कितने साल वो चला? 365. 300 यानी कि 365 साल. 365 years. और उसके अंदर 300 साल. And in 300 days in it, प्रभु के कदमों में कदम रखकर बढ़ता चला गया. He used to step with God and used to walk. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? एस्तर कितने साल? How many years? कितने साल? 365. यानी कि पहले साल, one year, दूसरे साल, second year, तीसरे साल, third year, चौथे साल, फिर पांचवे साल, फिर सातवें साल. यानी कि वो दिन प्रतिदिन, so he day by day, प्रतिदिन, day by day, साल पर साल, day, I mean year and साल year, पर साल, year and ओ परमेश्वर के साथ में हनोक चलता हुआ चला गया. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चला. Enoch walked in the presence of God. क्या नूह उसकी कहानी नहीं सुनता होगा? Noah might be listening his story. मेरा दादा, मेरा घराना, मेरा परदादा, पाप के अंदर भी, गुनाहों के अंदर भी, अपराधों के बीच में भी, वो अपराधी नहीं हुए. वे पापियों के साथ में भागी नहीं हुए. Sinners with the sinning one. वे धोखेबाजों के साथ में साथ नहीं मिले. They were not the cheaters with the cheating one. वो परमेश्वर के साथ में चले हैं. They walked with God. नूह भी अपने तीनों बेटे को और उनकी बहुओं को साथ में लेकर. Noah also with his three sons and three with their wives. मेरी बहू, my daughter, चाहे तू किसके घराने से आई है, you have come from any other. तेरा बाप कोई भी हो सकता है. Your father could be anyone. तेरे रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं. Your relatives could be anyone. लेकिन मेरे बेटे, यदि तू मेरे घराने में आई है, if you came to my household, तुझे प्रभु के साथ में चलना है. Then you have to walk with God. ओ शेम, यानी कि तुम्हें भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है. तुम्हारा परदादा चला भाई, तुम्हारा दादा चला है भाई, लेमेक चला है भाई, मेथुशिलह चला है भाई, तुम्हें भी चलना है. अरे अजीजो, नीति वचन के पुस्तक अध्याय 22 के वचन 6 में कहता है, Proverbs 22:26 it says, नीति वचन के पुस्तक में पढ़ेंगे हम लोग. नीति वचन के पुस्तक अध्याय 22 के वचन 6 में, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दें. बच्चों को, चिल्ड्रन, बोलो बच्चों को, चिल्ड्रन, उसी मार्ग की शिक्षा दो, should be taught in the way, जिसमें उन्हें चलना चाहिए, in which they should walk. हम बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देते नहीं हैं. We do not guide children in the way they should walk. बाद में हम पछताते हैं. And later we are guilty for it. बाद में हम रोते हैं. Later we cry for it. बाद में पछताते हैं. Later we cry for it. ओ मेरा बेटा बात नहीं सुनता. My child doesn't listen. मेरी बेटी बात नहीं सुनती. My daughter doesn't hear. मेरा बच्चा मेरे संग नहीं चलता. My child doesn't walk. वे अपनी मनमर्जी करता है. They do according to their heart. वे अपनी इच्छा पर चलता है. यदि बच्चों को, यदि बच्चों को उनके मनमर्जी के अनुसार जीने के लिए आप आजादगी दोगे, तो वो क्यों तुम्हारे अंडर में रहेंगे? You will give the freedom to the children to walk in their own way, then why will they listen to you? यानी कि which means, बच्चों को आजादी पाप करने के लिए नहीं देना है. Now children should not be giving the freedom मुझे, to sin. मुझे माफ करें. Forgive me. जितना नॉलेज बढ़ता जा रहा है, the more knowledge is growing, जितनी फैसिलिटी मिलती जा रही है, जितनी हर जरूरत पूरी होती जा रही है, बच्चे वैसे ही बिगड़ते जा रहे हैं. spoiling, वे अपनी जिंदगी को खुद ही जीना चाहते हैं.
पहले 60 साल के बाद भी इन those days after 60 years बच्चे आकर माता पिता को हाथ जोड़कर पापा कैसे हो कहते थे. The children used to come to their parents and they used to join their hands and they used to ask. But today after 15 years मम्मी तुम्हें कुछ ना मालूम, चलो अब घर में. You do not know, just leave. आप छोड़ो, आप बोलो ही मत मुझे. You just keep quiet. आप हमें समझाओ मत. You don't teach us. आप पता नहीं क्या क्या बोलते हो. कारण क्या है? What is the reason? हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया. Because somewhere we neglected our children. कहीं ना कहीं बच्चों को परमात्मा की वो शिक्षा नहीं दी. Somewhere we neglected to give that teaching of कहीं ना them. कहीं ना कहीं हमने उन्हें संस्कार नहीं सिखाए. Somewhere we didn't taught them the respect. क्योंकि जो कुछ भी माता पिता दादा परदादा करते हुए देखते हैं वही चीज तो बच्चे करते हैं. Because whatever the child sees his father grandfather doing the same he copies. मेरे दोस्तों, my friend, आज भी हमारे हरियाणा के अंदर, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं जो संस्कारों को बचा के रखे हुए हैं, जो आज भी अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों का आदर और सत्कार करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं. Today there are people still alive, those who respected their father and forefather. वो चाहे परमेश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, even they believe God or not, वो मसीह हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, they could be Christian or the Gentiles. लेकिन ऐसा मन हर एक का होना जरूरी but है. Everyone should have such kind of heart. यहाँ पर नूह के पास बहुत से लोग आए. Here many people came to वे पूछे होंगे, तुझे क्या मिल रहा है? What do you get? तुझे क्या मिलेगा? What are you getting? इस धर्म के पीछे चलने से, by keeping this righteousness, ये धर्म के मार्ग पर चलने से, by walking on this law, इस सिस्टम पर चलने से, by obeying this system, अरे जिंदगी भी नहीं है भाई. Because the life, तुम जी लो. You live it. नूह उनसे बोलता होगा, नहीं, मेरे परदादा परमेश्वर के साथ चले हैं. My forefather walked with God. मैं तो सेला 969 साल तक, 67 साल तक वो परमेश्वर के साथ रहे हैं. Noah, who, I mean, Methuselah was with God for 969 years. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रभु के वचन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों के पुस्तक के अंदर, Book of Hebrews. इब्रानियों के पुस्तक के अंदर चलेंगे हम लोग. We'll go to Book of Hebrews. जी. अध्याय 11 का वचन 5 में. Epistle to Hebrews chapter 11 verse 5. इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 5 में. जी जी पढ़िए 11 का 5. विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया. विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे. वे मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला. उसका पता नहीं मिल पाया. जी परमेश्वर ने उसे उठा लिया. देखिए यहाँ पर हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा और वो परमेश्वर के साथ में ही चला गया. Now over here, Enoch was walking with God. He walked and he was taken up with God. और वो परमेश्वर के संग चलता रहा. And he kept walking with God. आदम परमेश्वर के साथ चलता रहा. Adam walked with God. यानी कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा. Which means Enoch walked with God. मेतुसेल 5 के 27 में कहता है. Methuselah 5:27 it says. वे 969 years तक चलता रहा. He walked with God for 969 years. और उसी के बाद में. And later. नूह भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा. Noah was also walking in the presence of God. और जब नूह के समय पर. And at the time of Noah. दुनिया में पाप भर गया. There was a wickedness. अपराध बढ़ गया. गुनाह बढ़ गए. पाप से दुनिया भर गई. Earth was filled with wickedness. जब परमेश्वर दुनिया को खत्म करना चाहा. When God decided to destroy the earth. परमेश्वर की नजर नूह पर आ गई. The sight of God came. और नूह से परमेश्वर कहता है. And God says to Noah. नूह. Noah. मैं पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ. I will destroy the entire earth. लेकिन एक समस्या मेरे सामने है. But there is a problem. मैं तुझे खत्म नहीं कर सकता. I don't want to destroy you. मैं तुझे नहीं मार सकता. I don't want to kill you. मैं तेरे परिवार को खत्म नहीं कर सकता. I don't want to destroy your family. क्योंकि तू मेरे साथ चलता है. तू मेरे संग चलता है. इसलिए मैंने विचार किया है. तेरे द्वारा मैं एक और देश बनाऊंगा. Through you I will create one more country, nation. मैं तेरे द्वारा एक सृष्टि को बनाना चाहता हूँ. Through you I want to make a creation. जैसे मैंने आदम के जरिए बनाया. The way I made it through Adam. मैं अब तेरे द्वारा बनाना चाहता हूँ. Now I will make it through you. क्योंकि तू मेरी दृष्टि में धर्मी है. Because you are righteous in my sight. तू मेरी उपस्थिति में चलने वाला है. Because you are the one who walks in my मैं ये चाहता हूँ बेटे. So I want.
मैं तेरे द्वारा अपनी सृष्टि को बनाना चाहता हूँ। I want to make my creation through you। इस लॉकडाउन के समय बहुत से लोग भारत सरकार की बात भी नहीं मान रहे और भी जगह में अपनी इच्छा से जी रहे हैं, जिसका फल स्वरूप हमें देखने को मिलता है। आउटपुट विच वी सी इज, हो सकता है उसके अंदर सरकार की कुछ कमियां हो। देयर वुड बी सम मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने बहुत अच्छा ये विचार किया था कि सबको बचाया जाए। द गवर्नमेंट थॉट दैट गुड प्लान that everyone should be saved. लेकिन बहुत से लोग छुप छुप कर भी गुनाह किए। So some people, they even hiding, they did the sin. वे नहीं माने। They didn't obey. और बढ़ते 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 आज लगभग 140,000 के आसपास आंकड़ा आ गया है। So by doing this, by disobeying, it is the cases are positive more and more. अरण में भी 140,000 positive cases. It is not for easy. ये कोई आसान बात नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। मेरे अजीजों, यदि अभी भी यदि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस को हो या गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को हो यदि हम नहीं माने, if today also, if now also, if we do not obey the social distancing and the commandments of the government, अभी 140,000 से ज्यादा दिन नहीं बचेंगे ये 280,000 पहुंचने में। So there would be not much days that the cases to become positive more. लोगों ने सोचा, people thought, ये कुछ नहीं है, it is nothing. वो वैसा ही है, ये कुछ नहीं होगा, अरे छोड़ो, leave it. छोड़ो छोड़ो कहते कहते अब 1,00,000 पार हो गया है। Now this ignorant got the cases more positive. इंसानी जिंदगी पृथ्वी पर मिटने को तैयार हो रही है। Now the humans are about to wipe away from the जिस देश में, जिस कंट्री में, जिस प्रधानमंत्री के अंडर में हम सब लोग रहते हैं, उनके रूल और रेगुलेशन को मानने की जिम्मेदारी भी हमारी है। The country citizen we are under the government which we are, we have to obey the commandments. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने कहा, when God said, नोह, तुझे एक नाव बनानी है, you have to make an ark. तुझे उसके अंदर अपने परिवार को रखना है, you have to keep your family, उसमें मेरी सृष्टि के हर एक जानवरों को रखना है, you have to keep every pairs of animals in it. मैं इस दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ, I want to destroy this, क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ गया है। मेरे अजीजो, उस लॉकडाउन के समय, उस लॉकडाउन के समय नूह परमेश्वर की बात को माना। Noah obeyed the word of God. यदि नोहा परमेश्वर की बात को नहीं मानता, if Noah would not have obeyed the word सब of God, जैसे नष्ट हो गए, नोहा भी नष्ट हो जाता। The way everyone were destroyed, Noah would also उसने have destroyed. अपने परमेश्वर की बात को सुना। He obeyed his God's word. इसलिए नूह के जरिए फिर से सृष्टि बनाई गई। That's why through Noah, the earth, the creation was made. आज हर एक व्यक्ति को एक नूह बनने की जरूरत है। So today, every person needs to become Noah. चाहे दुनिया आपकी बात माने या ना माने, let the world obey you or not, यानी भारतवर्ष के लोग प्रधानमंत्री की बात को माने या ना माने, which means we Indians, if we believe, I mean, if we obey the rules of the government, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस देश के नागरिक हैं, but it is our responsibility because we are the citizens. हमें अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करना है और हमें अपने प्रधानमंत्री की बात को मानना चाहिए। We have to obey our Indian government and we have to pray for it. क्योंकि मैं ये मानता हूँ, because I think प्रधानमंत्री परमेश्वर के द्वारा चुना जाता है। Prime Minister is elected by God, chosen कोई by God. भी राजा या महाराजा चुना गया वो परमेश्वर की ओर से है। Let it be any king or any other person, if it is chosen, it और is हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राजा के लिए प्रार्थना करें and it is our responsibility to pray for our kings. और हम उनकी बातों को माने। We need to obey it. उस दिनों में नोहाव ने उस परमेश्वर को, यानी कि उस राजा परमेश्वर को, उसने स्वीकार किया, उसके कहने के आधार पर किया, इसलिए नूह के जरिए एक नई जिंदगी बनाई गई। So in those days Noah obeyed the king, the Lord God, and through him, so through Noah creation was made up. नोहा कहता है, कोई चलो या ना चलो, कोई मजाक उड़ाओ या मत उड़ाओ, मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ चलेंगे। Me and my household will walk with हम अपने विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर के साथ चलेंगे। इस समय पे, इस बुराई के समय, इस पाप के समय, इस गरीबी के समय, इस संकट के समय, इस महामारी के समय,
the time of this virus, हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है. We have to focus on God. परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है. Walk with God. एक दूसरे की कमियों को देखकर, by pointing out others, एक दूसरे की समस्याओं को देखकर, by seeing others troubles, उनकी कमियों को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है. Point out them, you notice it. हो सके तो उनके लिए प्रार्थना करें. Possible, let us pray for them. हो सके तो उनकी मदद करें. Possible, let us help. यदि नहीं हो सकता है, not, आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र रखें. Then you keep yourself holy in the sight. और अपने देश के लिए प्रार्थना करें. Pray for your country. नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा. Noah kept walking. हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा. Was walking with God. अब आपकी बारी है. Now it is your turn. आप किसके साथ चल रहे हैं? With whom are you walking? क्या आप उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? Are you walking with that God? या आप सोच रहे हैं? Or are you thinking? मेरे अजीजों, my dear friends, प्रभु ने चाहा, if God wanted, तो हमारी जिंदगियां बच सकती है. Then our lives could be saved. प्रभु नहीं चाहेगा, doesn't want, सब नष्ट हो रहे हैं. Everybody are उसके साथ आपके और मेरा भी नंबर आ सकता है. They could be you and me in the list. इसलिए उस प्रभु की ओर देखने की जरूरत है. विश्वास में बढ़ने की जरूरत है. स्थिर रहने की जरूरत है. मजबूत होने की जरूरत है. प्रार्थना करने की जरूरत है. प्रभु के इंतजार में बैठने की जरूरत है. आइए अपनी आंखों को बंद करें. हम प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे भारतवर्ष को तू आशीषित कर. हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों को तो आशीषित कर. Chief Minister, you bless them. हर एक धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो आशीषित कर. You bless every social and religious worker. प्रभु यीशु मसीह, हर एक उन गरीब भाइयों के लिए प्रभु, मजदूर भाइयों के लिए प्रभु जो फ्लाइंग करके चल रहे हैं. Father, we pray for all those laborers, those who are fleeing to their respective homes. उन सब के साथ आप बने रहना प्रभु. With each one of them. फिर से परमेश्वर हमारे भारतवर्ष को परमेश्वर पिता फिर से आप स्वस्थ कर देना. Father, you make our India once again healthy. हमारी आर्थिक स्थिति को आप ठीक करना. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, डॉक्टरों के सहकर्मियों के लिए. प्रभु हम सभी को तू आशीषित करना. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु न्यूजीलैंड के लिए प्रभु, फिजी के लिए परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रभु, फ्रांस के लिए प्रभु, दुबई के लिए परमेश्वर, श्रीलंका के लिए परमेश्वर पिता. हम प्रार्थना करते सिंगापुर, मलेशिया के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तमाम उन अफ्रीकन कंट्रीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Father, we pray for all these countries. हर एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चीफ, पुलिस, जनरल पर तुम्हारी दया हो परमेश्वर. आपकी दया और आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर. हर देश पर परमेश्वर तेरी कृपा बनी रहे. प्रभु हम जानते हैं ये अंत के दिन हैं. प्रभु ये समस्याओं के बढ़ने वाले दिन हैं. प्रभु इन दिनों में प्रभु लोग विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता कर. हर व्यक्ति के साथ में आप खड़े रहे प्रभु. देश में परमेश्वर शांति और समाधान हो प्रभु. कोई भी देश एक दूसरे के विपरीत ना होने पाए. कोई भी देश परमेश्वर एक दूसरे को खत्म करने की बातें ना करें प्रभु. परमेश्वर कोई भी थर्ड वार या फोर्थ वार ना हो प्रभु. प्रभु देश में शांति और समाधान हो प्रभु. भाईचारा होने पाए प्रभु. आपकी दया होने पाए. आपके आशीष होने पाए प्रभु. पिताजी आप सहायता करें. इस प्रभु कोरोना महामारी से हम सबको बचाइए. जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सब भाई बंधों के साथ आप बने रहें. उन तमाम लोगों के साथ आप रहें. और भारतवर्ष में रहने वाले हर एक पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टियों को तू आशीषित कर. हर एक पार्टी के लोगों को तू आशीषित कर. प्रभु वो आपस में ना लड़े, आपस में एक दूसरे पर उंगलियां ना उठाए. प्रभु मीडिया को तू आशीषित कर. आपका धन्यवाद करते हैं. आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु. हम शाम को रात को 10 बजे जब मिलते हैं, तेरी और सामर्थ्य में हम आगे बढ़ सके, तेरी बातों में हम बढ़ सके. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं. आमीन. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे. आप मेरे लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें. You for me and for this ministry keep praying. और मिनिस्ट्री की बहुत सी जरूरतें हैं.
and there are many needs of this ministry. हम लगभग लगभग अपने जीवन के 16-17 घंटे प्रभु की सेवा के विषय में ही सोचते रहते हैं. So we keep thinking these 16 to 17 hours about the service of God. और ना ही कोई और काम है करने के लिए भी. There's no other job to do. और जो हम कर पा रहे हैं वो हम ही परमेश्वर के लिए हमसे जो हो पा रहा है हम कर पा रहे हैं. So wherever we can, wherever we are able to, so we are doing it. आप अपनी दुआओं में याद रखें. Keep us in your prayers. ताकि सेवा के हर वो जरूरत पूरी हो सके. So that every need of this service will be fulfilled. आप सभी को जय मसीह की. Praise the Lord. प्रभु आपको और आपके घराने को आशीषित करे. God bless you and your